में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हैं मशहूर पेंटर स्कल्प्टर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता बिहार के एक छोटे से कस्बे में जन्मे सुबोध गुप्ता आज कॉन्टेप्रेरी इंडियन आर्ट का चमकता हुआ सितारा है स्कल्पचर पेंटिंग और थिएटर में समान रूप से सक्रिय सुबोध गुप्ता ने देसी प्रतीकों और स्मृतियों के सहारे कामयाबी की एक नई दास्तान लिखी है बेहद मामूली दिखने वाली चीजों को अपनी अभिव्यक्ति का जरिया बनाकर सुबोध गुप्ता ने अभूतपूर्व कला अनुभव को संभव बनाया है आज दुनिया भर में उनके इंस्टॉलेशंस धूम मचा रहे हैं सुबोध जी बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम में बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत आपने याद किया बिहार के एक छोटे से कस्बे से निकल कर दिल्ली पहुँचने तक का सफर एक सरसरी निगाह में अगर हम देखें तो क्या है काम एक जुझारूपन एक जुनून एकाग्रता और जिस क्षेत्र में काम करने की जिज्ञासा रही उस पथ को किसी भी हालत में ना छोड़ने के कारण शायद आज मैं यहाँ आप खुद कहते हैं इस बात को कि जो स्टील के बर्तन हैं वो करीब नब्बे फ़ीसदी लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं और उनकी चमक एक तरफ है और उन बर्तनों का जो खालीपन है यानी भूख दूसरी तरफ तो कहीं ये जो विडम्बना थी ये आपके काम की कोई प्रेरणा बनी ख़ास तौर पर इंस्टॉलेशन आर्ट में आने के बाद बिल्कुल सही फरमाया आपने और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसकी व्याख्या की और बिल्कुल यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ नब्बे फ़ीसदी लोग हिंदुस्तान के चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार से हों चाहे लोअर मध्यम परि मध्यम परिवार से हों सब लोग स्टेनलेस स्टील में भोजन करते थे नाश्ता करते थे खाना खाते थे इवन कोई कोई भिखारी भी आपको मिल जाएंगे जिसके पास स्टेनलेस स्टील का ही कटोरा मिलेगा अल्मीनियम का कटोरा नहीं दिखेगा तो जिसके वजह से मैं काफ़ी उत्साहित हुआ और मुझे लगा कि इसके साथ काम किया जा सकता है और मुझे ये नहीं पता था निश्चित तौर पे कि जब ये बर्तन मुझे आज यहाँ तक लेकर आएगी इंस्टॉलेशन आर्ट की बात करते हैं इंस्टॉलेशन आर्ट खुद इंडियन कॉन्टेप्रेरी आर्ट में एक बहुत नई चीज़ कही जाएगी जब आप अपने इंस्टॉलेशन आर्ट को आर्ग्यू करते हैं तो उसके पक्ष में क्या बातें आप कहना चाहते हैं क्योंकि जिस बर्तन और जिस बर्तन के खालीपन यानी जिस विडम्बना की बात से वो प्रेरणा मिली थी कि बर्तन एक तरफ चमक वाला है और दूसरी तरफ खाली है तो कहीं सुबोध नाम का आदमी एक दुर्बोध कला आ, करता हुआ दिखाई देता है मैं कहता हूँ कि ठीक है ये भाषा नहीं हो सकती है ये इंसलेशन आर्ट एक शब्द नया हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ इंसलेशन आर्ट सदियों से चली आ रही है हम सड़क पे चलते हैं एक पत्थर को इस तरीके से नज़रअंदाज करके उसको छूने की इच्छा रखते हुए और उसकी इज्जत करते हुए हम अपनी पगडंडी थोड़ी सी टेढ़ी करके निकल जाते हैं सलाम करते हुए आप बताइए उस पत्थर का एक विश्वास में परिवर्तन होना और उस पत्थर का उस जगह पे टिके रहना अपने आप में मेरे लिए एक इंस्टलेशन आर्ट है लेकिन सुबोध जी प्रकृति ने जो कला आपको दे दी मनुष्य ने उस कला को उस आर्टिफैक्ट को उस ऑब्जेक्ट को उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से उसकी प्लेसिंग की यहीं पर उसकी जो प्रेरणा है उसका जो एक्सप्रेशन है वो रोल प्ले करता है यानी कि जब आप किसी गैलरी में किसी स्पेस में आर्ट को इंस्टॉल करने जाते हैं तो वहाँ आप एक निश्चित सोच अप्रोच एक कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं एक प्राइमर के रूप में अगर देखें तो ये बताइए कि इंस्टॉलेशन आर्ट है क्या बेसिकली अगर बड़ा ग्रामर के तौर पे देखें तो एक ऐसी कला जिसको सिर्फ हम एक स्कल्पचर को चाहे एक पेंटिंग को चाहे एक पेंटिंग भी इंस्टॉलेशन हो सकती है पहली बात तो कि कोई भी माध्यम का कोई भी काम एक इंस्टॉलेशन में परिवर्तित हो सकता है तो so, वो चाहे पेंटिंग हो चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो स्कल्पचर हो, हो या किसी भी मीडियम का बना हुआ एक लेकिन जब एक कलाकार कला दीर्घा में और एक ऐसी जगह पे चाहे कला दीर्घा के बाहर ही एक ऐसी जगह पे एक ऐसे सिर्फ वो काम को नहीं दिखा रहा है बल्कि काम के साथ एक माहौल को भी पैदा करता है उसके पास आस पास के चीज़ों को भी उस काम से जोड़ता है उस काम को हम इंसलेशन कहते हैं जैसे कि हम एक स्कल्पचर सिर्फ एक स्कल्पचर करके लगा दिया किसी कला दीर्घा में तब वो स्कल्पचर सिर्फ स्कल्पचर है लेकिन जिस समय उस स्कल्पचर को उस पूरे हम कला दीर्घा के माहौल से जोड़ देंगे हम कला दीर्घा के दीवाल को भी पेंट करेंगे उसके लिए हम उसकी लाइटिंग को भी परिवर्तन करेंगे हम उसके माहौल को पूरे माहौल को परिवर्तित कर देंगे तो वो स्कल्पचर एक इंस्टॉलेशन में परिवर्तित हो जाता है कहते हैं सुबोध जी कि आपका जो बचपन गुजरा उसमें और आप ही का क्या, क्या? आमतौर पर मध्यवर्गीय जीवन ऐसा ही गुजरता है जिसमें सौंदर्य बोध की बहुत सीमित साधन होते हैं आपके घर में कैलेंडर होता है मूर्तियाँ होती हैं आपके पास मनोरंजन के लिए नाटक होते हैं लोक नाटक होते हैं फिल्में होती हैं एक फिगरेटिव एस्थेटिक्स के बीच से निकलकर जब आप बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि वो एक तरह का डिपार्चर है और वो अब पूरे परंपरा से अपने आप को काट कर सडनली एक इंडस्ट्रियल आर्ट में अपने आप को डाल रहे हैं नहीं नहीं अमूर्त कला एक्चुअली लगता है कि हम मूर्त कला से जुड़े हुए हैं लेकिन अमूर्त कला एक ऐसी कला है जो शायद पहले से बहुत पुरानी प्रथा से चली आ रही है मूर्त कला और हर जगह आपको दिख जाएगी तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है लेकिन एक मुख्य बात यह है इन तमाम चीज़ों को रहते हुए भी चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो अगर दोनों कला में ताकत है अगर दोनों कला में एक अच्छी खास बात कही गई है तो वो अपने आप में दोनों कला में, दोनों कला में कोई उतार चढ़ाव नहीं है दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अगर मूर्त कला भी बनाना उतना आसान नहीं है अगर आप उसको बहुत तरीके से और बहुत सोच के साथ और एक ऐसे सिर्फ मूर्ति ना करा करके बल्कि आप उसके अलावा भी कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत कठिन है आपका अगर ये कहना था कि फिर आप मुझे कहीं ना कहीं निचोड़ के आप मेरे घर पे ले आए हैं मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ धकेलना चाह रहे हैं मुझे लेकिन <laughs> देखिए ये एक मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है इरफान जी जहां से निश्चित तौर पे जहां से हम लोग आए हैं जहां से हम आए हैं निश्चित तौर पे एक आश्चर्य की बात है वो इसलिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि सबसे बड़ी बात है एजुकेशन और मैं नहीं मानता जितना भी पढ़ा हूं मैं पढ़ा हूं मैं बोलूंगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए कि हमारे महाविद्यालय में पाँच साल का कोर्स था जो सात साल में खत्म हुआ उस सात साल के दरम्यान एक भी इतिहास की क्लास नहीं बताई गई हम लोगों को लगा कि और आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है ये हम हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी दूसरे महाविद्यालय में चला जाऊं हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही है तो यात्रा तो निश्चित तौर पे मेरी यात्रा तो बहुत उतार चढ़ाव और निश्चित तौर पे मैं बोलूंगा कि एक आश्चर्य से तो भरा हुआ है निश्चित तौर पे मैंने इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैं जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया मुझे लगा कि मैं भटका हुआ व्यक्ति हूं मैं वो कर रहा हूं जो मैं नहीं कर सकता तो सबसे पहले खुद को ढूंढना आई थिंक द मोस्ट की थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल इफ यू फाइंड हुई टू गो इन द सेम डायरेक्शन दस टेक यू समेर अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद बातें जारी रहेंगी मशहूर पेंटर स्कल्प्टर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम गुफ्तु में आज हैं हम मशहूर पेंटर स्कल्प्टर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता के साथ सुबोध जी आपने कहा कि राहें बहुत आसान नहीं थीं लेकिन शायद दिल्ली आने के बाद कहानी ने कोई एक नाटकीय मोड़ लिया वो तो आपके सामने बिल्कुल नाटकीय मोड़ लिया हाँ बिल्कुल लिया लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ऐसा मोमेंट रहा होगा जहाँ से आपको लगा कि हाँ जो अब तक संचित ऊर्जा है जीवन की अब उसे बिल्कुल खिलकर निखरकर निखर कर सामने आ ही जाना चाहिए वो तो किसी भी कलाकार की इच्छा होती है शुरू से ही कि मुझे अभी ये निखर के आना चाहिए जी लेकिन कलाकार के बस में नहीं होता वो हो चीज़ वो जब समय आएगा तभी होगा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है वो मुझे खुद कला नहीं समझ में आती थी कि कला है क्या तस्वीर बना लेना कला नहीं है अच्छी रेखांकन कर लेना कला नहीं है तो फिर बोलेंगे कला है क्या क्या है एक पोइट्री है अगर हम आपकी बहुत अच्छी तस्वीर बना लेते हैं उस पोर्ट्रेट में अगर एक कलाकार अपना कुछ नहीं डाल रहा है तो एक क्राफ्टमैन सीखे तो जब मैं कॉलेज में स्टिल लाइफ करता था और किसी के पोर्ट्रेट बनाता था तो एक क्राफ्टमैन सीखता था लेकिन एक लंबी यात्रा निकल गई कि कला है क्या और मेरी उसमें क्या रोल हो सकती है मैं कैसे उस जगह पहुंच सकता हूं उसको समझने में बहुत समय लगा तो कला ठीक एक पोएट्री की तरह है आप आ, आ, किसी भी पद को सुन सकते हैं लेकिन अपनी पद को लिखने के लिए आपकी अपनी क्षमता होनी चाहिए तो फिर वो कौन सा कोई फेज़ कोई मोमेंट वो कौन सा था दिल्ली में जहाँ से फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा 1996 में मुझे संस्कृति केंद्र में एक स्कॉलरशिप uh, uh, मिली थी जिसमें तीन ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ने और तीन हिंदुस्तान के आर्टिस्ट हम लोग थे जिन्होंने एक महीने का वर्कशॉप किया था संस्कृति कला ओ पी जैन ने मुझे उसके लिए चुना था तो मुझे लगा कि मुझे पीछे नहीं हटना है मुझे कुछ करके दिखाना है और उस चाहत में मैंने कहा कि सच्चाई क्या है तो सच्चाई यही है कि अपनी कहानी ही सबसे बड़ी सच्चाई है तो अपने बचपन के दिनों को जिस माहौल में पढ़ा लिखा जिस समाज में रहा उनके दिनचर्या को जीने मरने की कहानी को और समकालीन स्थिति में जहाँ समकालीन जिंदगी अभी हम जी रहे थे दिल्ली में उस माहौल को लेते हुए मैंने कहा कि एक कहानी बुननी है इसको और उस कहानी को मैंने एक पाटले पे, क्योंकि हमारे बिहार में बचपन में मुझे याद है हमारे पास कुर्सी टेबल खाने के लिए नहीं होते थे हमारे यहाँ पाटला होते थे खाने के लिए जिस पे मैं बैठ के सुबह नाश्ता करता था खाना खाता था और तो ठीक उसी तरह से जैसे कोई वेस्टर्न आर्टिस्ट अगर कोई चेयर के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि वो बचपन से चेयर के ऊपर बैठा है और जिंदगी भर बैठ आज हम चेयर के ऊपर बैठते लेकिन हम अपने गाँव में पाटले के ऊपर ही हमने खाना खाया तो पाटला हमारा एक तरह से चेयर था तो मैंने उनतीस पाटलों को इकट्ठा करके उसके ऊपर मैंने काम किया था और उस उसका मैंने एक शीर्षक दिया था 29 नाइन मॉर्निंग्स और 29 नाइन मॉर्निंग्स मैंने इसलिए कहा था कि वो सुबह की यादें हैं जो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकते सुबह की याद शाम तक नहीं भूल सकते तो वो एक मेरा सबसे पहला इंस्टॉलेशन आर्ट जिसको आप कह सकते हैं इसको थर्टी मॉर्निंग्स क्यों नहीं रखा नाम इसलिए कि तीस पाटले नहीं थे सिर्फ उनतीस <laughs> ही पाटले थे अच्छा। अगर मैं तीस और पैंतीस पाटले होता तो उसका नाम मैं थर्टी फाइव मॉर्निंग बोलता जब मैं ट्वेंटी नाइन मॉर्निंग इंसलेशन बनाया था तो जिस स्कॉलरशिप के लिए मैंने कोशिश की जिस जिसके लिए मैंने अप्लीकेशन भेजा वो मुझे मिलता ही गया किसी ने ना नहीं कहा तो मुझे लगता है कि वो एक मेरा बहुत ही ए, 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 एक ऐसे पड़ाव है जैसे टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं 97 में मैंने ए, 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 स्टील के बर्तनों को देखना शुरू किया था अपने किचन में क्योंकि जब मैं खुद खाना बनाता था तो किचन में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी समय बिताने के बाद जब उन बर्तनों के साथ खेलना शुरू किया तो नाइन्टी 99 में 98 में मैंने काम किया था 99 में मुझे पहली प्रदर्शनी मिली थी कैमोल आर्ट गैलरी में मुंबई में जिसमें मैंने पहला इंस्टॉलेशन दर्शकों के सामने लगाया था जिसका शीर्षक था द वे होम अच्छा जिसमें गाय भी बैठी हुई है ए द वे होम टू है वो अच्छा द वे होम में लोटस है लोटस बर्तने और कंट्री मेट रिवॉल कट्टा कास्टिंग सो वो मैंने इसलिए किया था कि आ, 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 जिस परिवेश से हम आए हुए हैं हमारे यहाँ बहुत सारी संस्कृति ऐसी है जो छुपी हुई है जो जो कट्टा कल्चर भी है कट्टा आप दुकान में खरीदने जाएंगे तो नहीं मिलेगा नहीं। 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 लेकिन किसी घर में खरीदने जाएंगे तो मिल जाएगा वो हिंदुस्तानी कोई और नहीं है <laughs> तो मैंने कहा कि चमकते हुए बर्तनों के साथ एक लोटस एक ऐसा ऐसा है जिसके कई एक मीनिंग हो सकते हैं हुँ, हुँ, आ, व, वो एक पॉलिटिकल मीनिंग हो सकती है हमारा नेशनल फ्लावर हो सकता है कितनी खूबसूरत फ्लावर लेकिन उसी तरह से बर्तनों के कई एक मीनिंग हो, हो गए चमक है खालीपन है ठीक उसी तरह से कट्टा बीच में आने तो मैं हमेशा मेरा इंस्टॉलेशन जो रहा है कई एक छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर मैं अपनी एक कहानी बनाता हूँ कहानियों की बात आई तो ये बहुत दिलचस्प बात है मैं देखता हूँ आपके पूरे काम में और आर्गूमेंट में कि वो स्मृतियाँ जो बचपन में पढ़ी हुई कहानियों में हैं जैसे कि आपने चिमटे पर जो एक इंस्टॉलेशन बनाया उसमें आपको प्रेमचंद की कहानी याद आती है निश्चित तौर पे और इस जन्म में तो जाने वाली भी नहीं है वो चीज़ें अगर मैं प्रेमचंद की कहानी और हामिद का चिमटा को भूल जाऊँ मैं तो मैं अपने आप को भूल जाऊँगा और मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को उन सारी सामग्री को इकट्ठा करके आज की समकालीन जिंदगी जो है ख़ास तौर पे जब मुझे मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि आज मुझे पूरे संसार देखने का मौका मिला है तो जब इस संसार को देखने के बाद और संसार की हर कलाकार की अपनी कलाकृतियों को देखने के बाद मुझे यही लगा कि हर कलाकार अपने ही समाज की बात करते हैं हर कलाकार अपने ही घर की बात करते हैं हम फिर दूसरों की बात क्यों करें अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जारी रखेंगे बातें सुबोध गुप्ता के साथ स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुप्तगु में सुबोध जी बातें हो रही थी ब्रेक से पहले के खास तौर पर, पर द वे होम वन की बात करते हुए आपने और टू में भी आ, एक कट्टा है उसमें आ, बिहार जहाँ से आप आते हैं और इसको लेकर आपने एक सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाया जिसमें आपने नीचे लिखा बिहारी वो एक तरह से एक सेल्फ एसर्शन भी था जिसको जिसको आप कहते हैं कि वो एक सेटायर भी था हाँ निश्चित तौर पे जब आपने हमारे बिहारी पोर्ट्रेट के बारे में बात की तो वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम था 1999 में वो काम मैंने बनाया था और मुझे जब दिल्ली में एक प्रदर्शनी होने वाली थी और ग्रुप ग्रुप शो में किसी ने कहा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो प्रदर्शनी करनाट पैलेस में एक कला दीर्घा में होने वाली थी और बहुत ही आ, 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 इंडिया टूडो वालों की वो शायद कला दीर्घा थी नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन बहुत उस फेमस थी उस समय और जब मैंने कहा कि इस ग्रुप्सों शो में जब मुझे पार्टिसिपेट करना है तो जब मैं मुझे याद है कि जब मैं बिहार छोड़कर कर यहाँ आया था जी। दिल्ली में रहने के लिए तो बिहारियों को अगर बिहारी आप कह के बुलाएंगे दिल्ली में तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है उसको बहुत लगता है कि गाली दे दिया तो कह बिहारी तो हमारे यहाँ कल्चर है अगर दिल्ली में आप हैं तो आप अगर साउथ से आए हैं तो आप मल्लू हैं आप गुजरात से आए हैं तो गुज्जू हैं बंगाल से आए हैं तो बंग, आ, बंगाली भाई हैं आप तो इस तरह से अगर बिहार से आए हैं तो आप बिहारी हैं तो और यूपी से आए हैं तो आप भैया हैं तो बिहारियों को अगर बिहारी कह के बुलाइए तो उनको बहुत खुंदक आती है तो मैं कहा यार इसमें खुंदक आने की क्या बात है हम बिहारी हैं मुझे प्राउड है होने बिहारी होने पर तो मैंने कहा कि मैं तो बिहारी न्यून लाइट में लिखूंगा कि मैं बिहारी हूँ तो मैंने अपना कहा कि खुद अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया और मैंने उसमें खास तौर पे छोटे छोटे लाइटों में जिसमें वो चमक सके बिहारी सिर्फ मैंने कहा लिखने से काम नहीं चलेगा चमकना चाहिए <laughs> हाँ तो मैंने बिहारी को चमकाया और ऐसे नहीं उसमें ऐसे पहले बी हा अरी फिर बिहारी तो बार बार जैसे आपको कोई बार बार बोल रहा हो बिहारी 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 हमने कहा कि आई एम बिहारी वॉट्स रॉन्ग विद इट जब आप ये देखते हैं एक कॉन्टेप्रेरी हिंदुस्तानी आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया भर में घूमते हुए तो आपको लगता है कि हिंदुस्तानी कॉन्टेप्रेरी आर्टिस्ट दुनिया भर के कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट को के बराबर की कोई चीज़ है या उसमें कहीं और उसके सामने कुछ चुनौतियाँ हैं बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं देखिए समकालीन कला जो है निश्चित तौर पे अगर हम कला की बात करते हैं तो समकालीन कला है उसके जो गुरु हैं उसके जो पूर्वज हैं वो बाहर के लोग ही हैं तो बाहर की कला के इतिहास 300 साल पुरानी है हमारी समकालीन कला के इतिहास साठ सौ साल पुरानी है सत्तर साल पुरानी है हम रविन्द्र टैगोर से लेंगे और अमृता शेरगिल से लेंगे लेकिन वहाँ हम गोया से लेंगे बैंकॉक से लेंगे पिकासो से लेंगे तो इसके जो पूर्वज हैं वो वही लोग हैं समकालीन कला के तो हमारा मक्का मदीना तो वही है कला का तो मक्का मदीना तो वही है अगर समकालीन कला की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे तो एक लड़ाई तो जारी रहेगी दूर जाना है कला की बात तो छोड़ दीजिए अभी हम 40 साल पीछे हैं कला में एक भी समकालीन कला दीर्घा पूरे हिंदुस्तान में सरकार के तरफ से आज तक नहीं है हम किस कला की बात कर रहे हैं हम कहा हैं हम बहुत पीछे हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जिसको हम कहते हैं आज तक वो मॉडर्न मौ, कलाकारों के लिए हैं वो लेकिन आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अगर आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ पे यंग आर्टिस्टों की भी प्रदर्शनियाँ लगती हैं मॉडर्न आर्टिस्टों के साथ हमारे यहाँ आप दिखा दें इतिहास दिखा दें कितनी यंग कलाकारों की प्रदर्शनियाँ लगी हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जब आप संघर्ष कर रहे हो तो आप उस एक दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी वो अनफुलफिल्ड इच्छाओं को आप पूरा कर पाएंगे यहाँ तक कि आप जिस खाली बर्तन में भूख देख रहे थे वो भूख अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है उन बर्तनों को सहारा बना कर सीढ़ी बनाकर आपने कामयाबी की मंजिलों को पार ज़रूर कर लिया लेकिन भूख अपनी जगह पर बनी हुई है मैं तो यही कहूँगा कि एक कलाकार के लिए एक ज़िंदगी कम है अगर मैं अपनी पूरी बात करना चाहूँ तो ये ज़िंदगी कम पड़ेगा मैं तो अगर फिर से मरकर जीना चाहूँगा तो एक कलाकार ही बनना चाहूँगा मुझे लग रहा है कि दूसरी बात कहने के लिए अभी अधूरा है तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ लेकिन हाँ आपका अगर कहना है कि निश्चित तौर पे अ, एक आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद अ, अ, लेकिन कला से यथार्थ में अगर अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ उस समय कला अच्छा होगा ऐसी बात नहीं है और कला की जो भूख है चाहे आप कितने भी धनी क्यों ना हो रविंद्रनाथ टैगोर मुझे नहीं लगता था कि उनके पास एक खाली कटोरा थी और चाहे एक भरी हुई कटोरा थी सोने की कटोरा थी और चांदी की कटोरा थी इसलिए उसने अच्छी कविताएं लिख दी इसलिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक अच्छे कवि थे चाहे किसी भी परिस्थिति में वो क्यों ना हो वो उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी उनके पास वो टैलेंट था तो एक कलाकार का आर्थिकपन से तो लेना देना तो थोड़ा है ही वो यथार्थ है लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप हों कला की परिभाषा नहीं बदलती उसका विचार नहीं बदलता उसकी संघर्ष नहीं बदलती और आ, उसका एक जो भूख है चाहे आपके प्लेट में कुछ भी हो वो भूख रहेगा एक कलाकार के लिए वो भूख बहुत ही जरूरी भी और मुझे लगता है कि मैं भी भूखा हूं अभी भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपने इतना वक्त लिए दिया थैंक यू गुफ्तगु में आज बस इतना ही सुबोध गुप्ता के साथ हुई इस बातचीत के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए